तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में, यानी दो कीज जो काफी आपको परेशान कर सकती हैं। अगर आप एक्सेल यूजर हैं तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत होगी ही होगी। अब क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि एक्सेल पर जब आप काम करते हैं तो वहां कोई की का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। जैसे कोई भी काम करते हैं आप तो वहां पर डुप्लीकेट अलाउ होता है और यहाँ पर की का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और ये दोनों कीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप BCA में स्टडी कर रहे हो, चाहे आप BTech कर रहे हो CS से, या आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हो, या आप क्लास 8 में, 9th में, 10th में या 12th में पढ़ रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होने वाला है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको दिखाता हूं यहां पर एक टेबल। अब इस टेबल का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिजाइन हुआ है। यहाँ पे व्यू पे जाके और डिजाइन व्यू पे जाके आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर क्या क्या चीजें इस स्ट्रक्चर के अंदर दी गई हैं। ठीक है, यहां पर आपको मिलता है स्कॉलर आईडी, यहां पे आपको मिलता है नेम ऑफ स्टूडेंट, यहां पे रोल नंबर है और यहां पे आधार आईडी है। देख सकते हैं ना, सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब इन सारी चीजों में हम क्या करते हैं, यहां पर अब देख ही सकते हैं डेटा टाइप क्या है यहां पर। लेकिन इसमें देखिए एक खास कॉन्सेप्ट है कंपोजिट की का। ठीक है, मैं यहां पर इसको डिलीट करता हूं, कट कर देता हूं इसको, और आपको दोबारा से दिखाता हूं वो कंपोजिट की आखिरकार क्या होती है। ठीक है, प्राइमरी की और फॉरेन की, देन कंपोजिट की पे आएंगे। तो देखिए यहां पर इसे हमने प्राइमरी की बना दिया। बनाने का तरीका क्या है, यहां पर राइट क्लिक करिएगा ना तो ये प्राइमरी की आएगा। तो अगर ये प्राइमरी की आपने बना रखा है और इस पर राइट क्लिक करके दोबारा क्लिक कर दीजिएगा तो वो हट जाएगा, यानी उसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ हो जाएगी। अब कैसे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होगी, यहां पे क्लिक करिए यानी व्यू पे और यहां से यस कर दीजिए। तो अगर मैं यहां पर आता हूं तो अभी तक तो डुप्लीकेट मैं एंटर नहीं कर पा रहा था, शायद आपने देखा नहीं, तो अभी दिखाता हूं। यहां पे SCH रजिस्ट्रेशन आईडी है, ये स्कॉलर आईडी, तो ये SCH00 और 1 कर देते हैं, और 1 करके यहां आते हैं और यहां पर एक और नाम लिख देते हैं लोकेश। तो यहां पर देखेंगे तो ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर रहा है, बट प्राइमरी की के इंडेक्स में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होता। लेकिन ये है कहां प्राइमरी की, इसे तो हमने हटा दिया प्राइमरी की से। लेकिन जब बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब बनाएंगे यानी बनाएंगे कैसे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके प्राइमरी की पे क्लिक कर देंगे और व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये प्राइमरी की बन जाएगा। और जैसे ही प्राइमरी की बनेगा तो फिर ये हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि इसमें तो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ ही नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। तो पहले तो हम इसको प्राइमरी की से हटाएंगे दोबारा क्लिक करके, और ये डुप्लीकेट वैल्यू हटानी होगी जो हमने दे दी है, यानी नीचे वाली ये डुप्लीकेट वैल्यू हटा देनी होगी और यहां पर इसके जगह कुछ और टाइप करना होगा। यानी कुछ भी और टाइप करिए, लेकिन ये आप टाइप नहीं कर सकते जो आपने इस सीरीज में लिख दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 5 टाइप कर दिया हमने, और अब जब व्यू पे जाके क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके का नजारा आपको देखने को मिलेगा। यहां पर अब डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। अगर आप डुप्लीकेट लिखने की कोशिश करें तो वही एरर आपको देखने को मिल जाएगी जो कि अभी कुछ देर पहले देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो यहां पे अब एक और नाम ये दे दिया हमने और एंटर करके नीचे आए, तो नीचे आए तो आप देखेंगे कि SCH005 ये अभी अलाउ कर रहा है, यहां पे ये अलाउ कर रहा है, देखिए। लेकिन क्यों अलाउ कर रहा है ये भी देखिए जरा, यहां पर इसे हमने प्राइमरी की से हटा दिया है तो ये अलाउ कर रहा है, अगर लगा देंगे तो अलाउ नहीं करेगा। तो ये हो गई प्राइमरी की। और देखिए यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट में ये फॉरेन की, अब क्यों फॉरेन की है, फॉरेन की डेफिनेशन क्या हुई, तो फॉरेन की का मतलब है कि अगर किसी बच्चे का रोल नंबर 5 है या रजिस्ट्रेशन नंबर SCH005 है और उसका नाम, उस लड़की का मोनिका है, तो अगर मोनिका नाम है तो SCH006 वाली बच्ची का नाम मोनिका हो सकता है, लेकिन आईडी सेम नहीं हो सकती, यानी स्कॉलर आईडी आपकी सेम नहीं हो सकती, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, यहां पे लोकेश की जगह यहां पे मोनिका ही रख देता हूं, यहां पे देखिए ये लिख दिया हमने, और यहां पर इसको चेंज करिएगा, ये तो चेंज करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, जब आप प्राइमरी की बनाएंगे तो इसे चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसे राइट क्लिक करके प्राइमरी की बना दिया और यहां से जाएंगे तो ये देखिए ये जो है ये अब बन गया प्राइमरी की। यानी इस सीरीज में, स्कॉलर आईडी वाले सीरीज में आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते, हाँ इसमें दे सकते हैं। तो ये जो है फील्ड नेम ऑफ स्टूडेंट वाला, ये कहलाएगा क्या, फॉरेन की, और ये जो है स्कॉलर आईडी वाला फील्ड, ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बात आपको पूरी समझ में आ रही होगी कि दोनों की डेफिनेशन क्या है। लेकिन एक कंडीशन बीच में और बन जाती है, अब वो क्या है उसको भी जान लेते हैं कि वो कंडीशन आखिरकार है क्या। तो यहां से जाएंगे
और यहां से जाकर के यहां पर एक और चीज एंटर करेंगे। क्या एंटर करेंगे? तो यहां एंटर कर देते हैं आधार आईडी, आधार आईडी। तो ये भी तो डुप्लीकेट नहीं होती है आधार आईडी, ऐसा थोड़ी ना जो मेरा है वो आपका भी है, ऐसा नहीं होता है। तो आधार आईडी जो होगी वो भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, तो यहां पर अब आधार आईडी डालना होगा। तो क्या डुप्लीकेट वैल्यू इसमें अलाउ है? अगर डायरेक्टली आपने लिख दिया, ये डेमो के लिए मैं खाली कर रहा हूं, ये कोई आधार आईडी है नहीं, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि देखिए इसमें डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता, लेकिन हमने इसे डुप्लीकेट रखा हुआ है भाई। एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की आएगी, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं आ सकती है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर आप इसको प्राइमरी की बनाते, अब देखिए ये तो डुप्लीकेट अलाउ कर रहा है, यहां देखिए सेम सेम आधार आईडी यहां पर भी और यहां पर भी आ गया, लेकिन इसने कोई इसका अपोज नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में आधार आईडी तो हमें डुप्लीकेट देनी नहीं है और प्राइमरी की तो एक टेबल में एक ही रहेगी, तो क्या हम इसको भी प्राइमरी की बना दें? तो देखिए जैसे ही आप आधार आईडी पे जाके इसे प्राइमरी की बनाएंगे तो ये वाला प्राइमरी की हट जाएगा, यानी स्कॉलर आईडी वाला हट जाएगा अपने आप। ठीक है, आप दो प्राइमरी की नहीं रख सकते एक टेबल में, ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है। अब देखिए यहां पर ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर आधार आईडी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, तो इसे बनाएंगे हम क्या, कंपोजिट की। कैसे बनाएंगे? तो यहां पर आ जाएंगे आधार आईडी वाले फील्ड में, और यहां पर इंडेक्स दिया हुआ है, तो यहां पर नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ यस डुप्लीकेट, ओके हटा दीजिए, यस नो डुप्लीकेट कर दीजिए। क्या करना है? यस नो डुप्लीकेट, और बस यहां से ओके कर दीजिएगा, और जैसे ही ओके करेंगे तो ये एरर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें इसको डुप्लीकेट ही रखना होगा ताकि हम उन फील्ड को डिलीट कर दें, उन वैल्यूज को डिलीट कर दें जो हमने डुप्लीकेट दिया हुआ है। जैसे यहां पर देखिए ये डुप्लीकेट दिया हुआ था, तो कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए, सेम आप वैल्यू नहीं रख सकते, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं चेंज कर देता हूं, लास्ट में आकर के यहां पे देखिए ये हमने चेंज किया, यहां पे 8 कर दिया, यहां पे 9 कर दिया, तो ये अब डुप्लीकेट से की कैटेगरी से हट गया है। तो अभी इसको यहां से यस नो डुप्लीकेट कर देते हैं और फिर यहां से ओके कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ओके करेंगे तो अब इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको सेम उठा करके कॉपी करके पेस्ट कर दें तो क्या ये अलाउ करेगा, तो नहीं करेगा अलाउ। आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो ये एरर मैसेज आपको शो होता हुआ नजर आएगा, और जब तक आप इसे हटाएंगे नहीं तब तक ये मैसेज शो होता ही रहेगा। तो इसको हटा करके आपको नई वैल्यू यहाँ टाइप करनी ही होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये, लेकिन क्या ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर एक और यूनिक वैल्यू दे दी जाए? जैसे मान लीजिए आधार आईडी तो ठीक है, क्या यहाँ पे रोल नंबर भी दे सकते हैं हम? तो बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे देंगे ये? अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे रोल नंबर हो गया, और यहाँ पर इस बार डेटा टाइप चेंज करता हूँ, डेटा टाइप क्या लूंगा, ऑटो नंबर रखूंगा। ठीक है, तो ये ऑटो नंबर रख दिया रोल नंबर का डेटा टाइप, लेकिन रोल नंबर को अगर प्राइमरी की बनाते हैं, यहाँ पे देखिएगा प्राइमरी की अगर इसको बना दिया तब तो ये स्कॉलर आईडी हट जाएगा। तो हमें स्कॉलर आईडी को तो प्राइमरी की रखना ही है, रोल नंबर को भी एक्ट करवाना है एज अ प्राइमरी की, तो क्या करें? तो आपको वही काम करना है कि यहां पर रहते हुए, और ये देखिए ये ऑटो नंबर है ना, यहां पर आएंगे तो देखिए यहां पे इंडेक्स लिखा हुआ है, तो यहां पे नो दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे करिएगा नो डुप्लीकेट, यस नो डुप्लीकेट, ये ऑप्शन देखिएगा, ये ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, यस नो डुप्लीकेट, ये वाला ऑप्शन को ओके कर दीजिएगा, यानी इसको सेलेक्ट करके और यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, और अब आप देखेंगे कि रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होंगे। ठीक है, देख सकते हैं कि नहीं, जो भी रोल नंबर आएगा वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो एक फील्ड में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं होगी, कंपोजिट की बना सकते हैं, कंपोजिट की का एग्जांपल आधार आईडी और रोल नंबर, ये दोनों ही इस टेबल में कंपोजिट की हुए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरी सीरीज आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, पूरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।